बहराइच में इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार दूसरे दिन चल रहा है, कैसे देखती इसको? बहराइच की मैं हूँ और हमारे बहराइच में इस तरह की घटनाएं न कभी हुई हैं। बहुत ही दुखद ही नहीं गंभीर घटना है कि शासन प्रशासन किस तरह से गायब था और मैसी में इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके बाद जब युवक की मौत हो गई उसके बाद शासन प्रशासन आता है और हेलमेट पहन के घूमता है तो किस तरह का ये लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। इन सब इस तरह के जो उत्सव होते हैं या जो जुलूस निकलते हैं उसमें पहले से प्रशासन जो है सजग रहता है। बहुत बड़ी नाकामी है और सरकार को न्याय करना चाहिए। क्या जनता से क्या अपील करेंगी वहाँ की, जिस तरह का माहौल खराब हो रहा है? हमारा संगठन आगजनी चल रही है जी, हमारा संगठन, हम सब लोग इस पूरी संकल्पित तरीके से जुटे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ का माहौल नॉर्मल हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम हो और सभी की जान माल की सुरक्षा हम कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस जिम्मेदारी को न निभा रही है, न उनके कोई विधायक। मैम, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र में भी बाबा सिद्दीकी की एक दिन पहले हत्या कर दी गई, वो भी भाजपा शासित प्रदेश है, कैसे देखती हैं कि इस तरह के अगर किसी बड़े नेता का वाई श्रेणी की सुरक्षा भी उनको प्राप्त थी? ऐसी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां वाई श्रेणी की सुरक्षा में हत्या हो जाती है तो एक आम नागरिक की क्या सुरक्षा है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? साथ ही बाद में घटनाएं जैसे उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ्स नंबर वन, महिलाओं के प्रति क्राइम नंबर वन, अपहरण, लूट, आगजनी, ये सब पे उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पे है। तो क्या कर रही है सरकार? अगर लॉ एंड ऑर्डर भी व्यवस्थित नहीं कर सकती है, अखिलेश यादव जी ने डायल 100 बनाया था जिसकी मदद से मदद पहुँचाई सकती थी, उसको भी नहीं मजबूत कर रही है तो कर क्या कर रही है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम, लखीमपुर वाला अभी हाल ही में मामला चल रहा है, विधायक ने अपने दोनों गनर वापस कर दिए हैं, दोनों गनर अपने वापस कर दिए हैं विधायक ने, भाजपा के विधायक हैं नगर के, और उनके साथ जो मारपीट हुई थी उनका कहना ना FIR हो रही ना किसी तरह का कोई इंसाफ मिल रहा। ये पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों, इनके अधिकार तो बिल्कुल भी सरकार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार के अधिकारों के प्रति सजग और अपने खुद के विधायक को जब इस तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या ही कहें कि एक आम नागरिक को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे सुरक्षा मिलेगी? इस घटना को काफ़ी दिन हो गए, समाजवादी पार्टी भी बार बार ये बात उठा रही है कि FIR जब उनकी नहीं रजिस्टर हो रही है तो हमारी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.